होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा वो मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, पर्सनल, ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए, बस इतना ही। चंपा कली, एक घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे दो दो बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं वही हूँ। हम जानते हैं, मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ, इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ, पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ, पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स, आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना, मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है, इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप गपा गप गपा गप सब चढ़ जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ, इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की। पद्मा भाभी, ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। क्या? पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू? ये ऊटी खूटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? वहाँ साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना कहा, मैं इतने गन्ने जैसे लगती हूँ? मार पूरी ताकत से मार, नकलों को झकला कर दीवी, और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजन करती थी और वो कैश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तो गन्ना की मैं कैसे मारूं? आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा। याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार होता है। यू नो, मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे डिजाइनर जगदीश। ओ या 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 या। हेलो सर। पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो? सिंपल सर, पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। यू आर फिनिश्ड। व्हाट? मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है, आप चाहे तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ,
वंडरफुल। हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर, दे आर वेरी पावरफुल। अच्छी अच्छी तरह वॉश कीजिए, बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में रगड़िए। हाँ, अच्छी तरह। तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, हो सॉरी बाबा। हाँ, मतलब 3 दिवस जाना है, शॉपिंग कराई जाए, स्टाइलिंग कराई जाए, बिजी शेड्यूल है यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। सो क्यूट। काय? हाँ श्योर। हाँ, हाय कह रहे हैं। अच्छा, मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। कैसा है अंकल? हेलो, मैं अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होता है बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक। बाबा हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क मिलता है। ओके, कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे, उनका नाम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, रॉयल पूर्णिमा। वहाँ लाखों आत्माएं होंगी, आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा। आईडी कार्ड आत्मा का? यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है। ओ, ओ, मम्मी ओल्ड फैशन है, आई कार्ड नहीं रखती है, कैसे जीती होंगी? मुश्किल कैसी, मर चुकी है ना। आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा। राइट। शॉपिंग पर चलें, ज्यादा टाइम नहीं है। या This is the biggest mall here. कैसा है? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. How is it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Hello? कहाँ है? तू आने वाला था ना? कहाँ रह गया? कल जा रहा हूँ मैं. 900 करोड़ का मामला है. अगर कोई मैस अप किया ना तो. ठीक है. Okay. Come, let's move. हाँ माई. हाँ बाबा. शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हैं बाबा। am I disturbing? No, 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 no. Carry on, carry on. सात साल का था जब माँ चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। माँ के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और मां के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और मां से प्यार, तो मेरी तरह मां से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी मां मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें मां के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है। Whoa, whoa, whoa.
रोमांटिक मूड की बैंड बाजा बारात कर दी। वो मेरी डार्लिंग है, आई लव हर। ए, लालच बुरी बला होती है। तेरी हाइट उसकी हाइट से मैच नहीं करती, मेरी उसकी एकदम सेम टू सेम है। सेम हाइट वाली लड़की को किस करने में मजा नहीं आता। हाँ, मजा तो एक ठिकनी लड़की को बाहों में उठा के किस करने में आता है ना मेरी बात मैडम। हेलो सर, माला गेट टू मनाइका। बाल है या नारियल के रेशों से बनी झाड़ू? माला गेट टू मनाइका। नाना गेट टू मनाइका। आपके यहाँ कोई ऐसा माल नहीं है जो हिंदी में हाल चाल पूछे? शांता भाई, शांता भाई, क्या मदद करूं? हमें डांस सीखना है। तुम्हें हिंदी आती है? हम्म। कहाँ की हो? मुंबई। शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 हैं। ओह तेरी, तू ही बात कर ले यार, मुझे डांस सीखना है। आपको कौन सा डांस सीखना है? ब्रेक, फोक, रॉक, रैप, हिप हॉप, सालसा? हमें डांस सीखना है, चाइनीज खाना नहीं खाना है। ए, ये सारे डांस के फॉर्म्स हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ। ये सालसा, जलसा, हिप हॉप, लॉलीपॉप, ब्रेक, मिल्कशेक हटाओ, कथक और भरतनाट्यम सिखाओ। आप इस मेंटल की बात मत सुनो। मेंटल? ये लड़कियाँ कौन सा डांस कर रही है? ये हिप हॉप। हाँ, यही सीखना है। सिर्फ आपको सीखना है या दोनों को? ओनली वन। वन नहीं, टू। ये लो डांस की पूरी फीस, रख लो। मैडम, ओके गर्ल्स रिलैक्स। मैडम, ये नए स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हिप हॉप सीखना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगी। ओके मैडम। हाय, आई एम नंदिनी। नमस्ते मैडम। अकल वकल है या नहीं? मैं बिरजू, तुम मुझे प्यार से बियर पी सकती हो, कह सकती हो। पोपट कर दिया तो फिर उड़ जाना। Let's dance, come on. मैं आपकी डांस टीचर नहीं हूँ। मैं अभी आपकी डांस टीचर को बुलाती हूँ, जाके पीछे खड़े हो जाइए। आज सिर्फ वार्म अप करते हैं, डांस मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगी। ओके। जैसी मैम। Yes, ma'am. Tingu. मेरा नाम जस्सी है, तुम्हारी टीचर। मेरे सनग्लासेस दो। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स डांस। ए, आओ ना। मैडम, एक छोटा सा डाउट है, आप डांस टीचर हो या कंगफू टीचर? क्या? तुम्हें मैं डांस टीचर नहीं लगती क्या? तुमने अभी मेरा ठुमका देखा नहीं है। हे, म्यूजिक बजाओ। ऐसे हिप हॉप में पूरी बॉडी हिलानी होती है, तुम तो सिर्फ अपना हिप हिला रही हो। ए मिस्टर, ये है हिप, ये है अप, हो गया ना हिप हॉप। हिप हॉप में बस इतना ही हिलाते हैं? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। म्यूजिक। ये डांस है? नहीं है। लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। मुंह बंद, कल इसी वक्त क्लास में आ जाना। अरे सुनो तो सही, तुम बिना बताए डांस क्लास से चले क्यों हैं? तो और क्या करता, टाटा बाय बाय करके वहाँ से जाता। उस पागल औरत ने तो हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप करके कमर की माँ बहन एक कर दी। हम यहाँ नंदू को पटाने आए थे तो फिर ये नौटंकी क्यों? हम का क्या मतलब, मैं आया था। पहले तू अकेला था लेकिन अब दुकेला हो गया है, ये जॉइंट वेंचर है। जब से उसने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टनाटन। ये गलत है, तुम मेरे कंपटीशन में खड़े हो रहे हो। चुप साले, तू खुद को क्या हीरो नंबर वन समझता है? तेरी हाइट 6 फुट है, तेरे 6 पैक एब्स हैं, इसलिए तेरे ऊपर लड़कियां मरती हैं। लेकिन इंडिया के 60% मर्द हमारी तरह हैं, पेट बाहर दिमाग अंदर, तो मेजोरिटी हमारी हुई ना। नहीं, अब प्लीज प्लीज आप भी चढ़ जाओ ना। ओके, तू इतना भीख मांग रहा है इसलिए तुझे एक ऑफर देता हूँ। बम्पर ऑफर है। कैसा ऑफर? अगर तूने एक हफ्ते में नंदू को पटा लिया तो ठीक है, वरना यहाँ से अपनी तशरीफ उठाकर वापस इंडिया कट लेना। अच्छा ठीक है। एक और डबल धमाका ऑफर है, रोज रोज नहीं मिलेगा।
सुन, नंदिनी को पटाने में मैं तेरी मदद करूंगा बच्चे। थैंक्स यार, अब तो नंदिनी मेरी होके रहेगी। तुम्हें बुला रही हूँ। यस। तुम नहीं, वो। ए मिस्टर, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ? सुबह सुबह चुड़ैल के दर्शन। नाउ गर्ल्स गो एंड रिलैक्स, बॉयज अपने रिहर्सल शुरू करो। आ, जैसे इनकी क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं तुम्हारी क्लास लेना शुरू कर दूंगी। ओके ऐसे मत देख यार, कुछ होता है। ओके नाउ डू दिस। हेलो, यहां नहीं, यहां देखो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लाइक दिस यू सेड, राइट? स्टॉप। डेविड। यस मैम। तुम्हें ये मूवमेंट आती है ना? आती है ना मैम। सिखाओ इसे। ओके मैम। प्रैक्टिस करना, मैं कल देखूंगी। हेलो, वहां क्या देख रहा है? फिगर मस्त लगा क्या? बहुत मस्त। तेरा नाम क्या है, कहां से आया है तू? अपना मुंह क्यों नहीं खोलता है, बोलता क्यों नहीं है? मैडम ने ये सब पूछने के लिए बोला है। मूवमेंट सिखाओ सर। वन। हेलो। यस। वैसे आपकी उम्र कितनी है? जस्ट 22। मेरी 16.5। झूठ बोल रहा है बमका गोला। मुझे चलेगा। चलो अब साथ मिलकर करते हैं पापा पापा प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं। कम ऑन, 1 2 3 4। बस 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 बस। 6 7 8। ये गिनती तो मुझे भी आती है, तुम मुझे डांस सिखाओ। हाँ चलो सिखाओ। ये हिप, रुक, ये हिप अप, हिप अप, हिप अप। इसके सिवा कुछ नहीं आता क्या? कुछ नया सिखाओ। ओके, कुछ नया सिखाती हूँ। ओके हाँ। ये है हिप। अब ये हिप है। ओके, ये अप, ये अप है, ये हिप, ये अप, ये हिप, ये अप, ये हिप, हिप अप, हिप अप, हिप अप, हिप अप। अरे यार दिमाग का दही करना बंद कर। वो माइकल जैक्सन तुम्हारा डांस देखता तो दोबारा मर जाता। तुमसे अच्छा तो गली के कुत्ते डांस करते हैं। तुम भी मुझसे अच्छा डांस करती हो? बिल्कुल। यानी तुम गली की कुतिया हो? तुमने मुझे गली की कुतिया कहा? But I love you. क्या हम मिल सकते हैं? हाय। हाय, सॉरी इस वक्त तुम्हें जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी। ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक ये उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज अभी डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। हे, मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे, स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे ठीक करना है। कार के पीछे भी। हे, क्या डिजाइन है, स्पाइडर। कहा था ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? हुँ।
डैडी जस्ट अ मिनट हाँ तुम कहाँ हो ऑन द वे प्लीज जल्दी आ जाओ डैडी आ गए हैं तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा मॉम ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और डैड हाउस हस्बैंड हैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं ओके 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 जल्दी आ जाओ ओहो बहुत तलब लग रही है थैंक यू अंकल ये लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है मगर कैंडल है का बर्थडे आया कहाँ है माया तुम्हारा रूम तो अच्छा है लेकिन रूममेट अच्छी नहीं है मेरी बात मानो तो उससे दूरी रहना तो ठीक ही लग रही है गाड़ी तो ठीक है मगर पीछे ये क्या है माया अब मैं क्या करूं डैडी एक्चुअली ये पापा को इतना चाहती हूँ क्या लाइट चली गई आप लोग एक एक करके कैंडिडेट को फोन कर रहे हो ताकि उन्हें परेशानी ना हो लेकिन बोर्ड तो बोल दिख नहीं रहा है उधर लगाए सॉरी कुत्ती नजर है मैं नाते में उबला हुआ अंडा खाता हूँ इसलिए दिमाग दे दे चल चलते हैं ये गरीब लोगों को भी बता देते हैं ना ये पावली तम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ क्या बात कर अपना काम बता हाल में जाए जानता तू तल में आया अरे निकल इसको फाड़ देता हूँ कि इंटरव्यू के बारे में किसी को पता ही नहीं चले लगता है गलत जगह पे आ गए यहाँ ही इंटरव्यू होगा दिख रहा अपना कार्ड और सर्टिफिकेट मुझे दे तेरे घर पे रोकड़ा चलरी भिजवा दूंगा तू मेले को लोकला देगा दिख रहा ठीक है मेले को क्या करना होगा यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे बैठ के करना जो करना दूतला ऑप्शन सांडे के तेल में हल्दी डाल के मेरी मालिश करना जब दो भले बात करते हैं तो बुद्धे बीच में बोलते नहीं है मम्मी ने सिखाया नहीं जल्दी से इंटरव्यू लो मेरे को दूसरे इंटरव्यू पे जाना है आ जा मेरे नीचे गठबंधन तो सुना होगा आज हठबंधन देख ले अच्छा मैं समझ गया तुम लोग मेरे हाथ क्यों बांध ले जल्दी समझ गया ताकि मैं गूगल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करूं आरक्षण की दिमाग ने देश की तरक्की को कन्याकुमारी से कश्मीर तक खोखला बना दिया ये तो ज्योग्राफी का सवाल है मामा हम ये बुड़बक तो डबल टैलेंटेड है क्या बात कर रहा है सच में हाँ इसलिए तो ये पास हुआ हेलो अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं पास कैसे हो गया इंटरव्यू लो पढ़े लिखे जाहिल मैंने आके गांडा मार्केट में इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं हमने तेरे को ही चुना काईकू हाँ ये बात में तो दहो तो तुम लोगों ने मेरे को मामू बनाया अब समझा बहुत शाना बन रहा था निकाल छपरी का फोटो और हैंडसम का फोटो चिपका बाथरूम जाना हो तो घंटी बजा देना कौन सी घंटी चुरा लूं ये इसका जल्दी निकल बीच में आ जाएगा ओ बच गया कल्पेश भाई हां भाई तुम्हारा नाम है हां मेरा है अपना घसने वाला पुत्र संभालो अगर ये घूम गया तो तुम्हारा आवन जावन बंद हो जाएगा क्या बोलता कुलराज सही बोला सा फर्स्ट फ्लोर मेंटेनेंस ये बहुत ही पावरफुल माइक है इसे मैं चॉकलेट के रैपर में डाल रहा हूँ बस तुम इसे इंटरव्यू रूम के अंदर पहुंचा देना ठीक है वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मुझे सुनाई देगा और ये है ब्लूटूथ इसे लगा लो उनके क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर सुनाई देंगे मैं उसका जवाब दूंगा ठीक है हम बोले
शिवशंकर, क्या हुआ? ये देख, ये तो मेरी है। सामान लड़ाता है। जीजाज, लगता है लिफ्ट में वजन ज्यादा हो गया। पेपर मुझे दे दो। हाँ, खुल रहा है, खुल रहा है। इधर से मेरे पेपर। हाँ, थैंक यू। रुकना, रुको रुको, धीरज रख। सर कीचो ना सर। अरे कुएं में नहीं फंसे हो, लिफ्ट में ही। हाथ दो सर। औरत की पकड़ और लिफ्ट की जकड़ से मुझे बहुत डर लगता है। अरे लगता है तुम्हारे कंधे में जोर नहीं है। रुको, पहले मसाज कर देता। अब ठीक है, आ जा। अरे सर, गिरा हुआ आदमी आना काम हो गया। रुकी हुई लिफ्ट खुल सकती है, पर सीढ़ी पर गिरे तो रुकोगे नहीं। थैंक यू सर। बारातियों का स्वागत हो गया, दूल्हे का इंतजार है। अपने ऑफिस में जॉब मांगने जा रहा है। टेंशन मत ले, नौकरी तेरे को ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। अच्छी खबर सुनाइए, मुंह तो मीठा करा। भाव एक गेहूं का। अभी इसको देखे बाद में। सर सर। ओह, मुंह खोलिए ना प्लीज। मेरा सिर्फ नाम चाटे, लेकिन मैं दिन भर मीठा नहीं चाटता, डिनर के बाद ही चाटता हूँ। अच्छी नींद आती है। थोड़ा बीवी को भी चटाऊंगा। सॉरी भाव, वो डार्क आदमी आपका डार्क चॉकलेट ले गया। पैसे मुझे नेफ्ट कर देना। चल जा। थैंक यू भाव। चॉकलेट अंदर गई। एक्सक्यूज मी सर, ब्लूटूथ निकाल दो। प्लान बी। ओके। अगर दो को कंपनी और तीन को क्राउड मानेंगे तो चार और पांच को क्या कहेंगे? सर, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आप मेरे कैंडिडेट को जॉब देना। हाँ, चार और पांच मिलाकर बनते हैं नौ, और अगर नौ लोग मिलकर कोई भी काम करे तो हो जाएंगे नौ दो ग्यारह। 9-2-11 का मतलब है कि वो काम आसमान की बुलंदियों को छुएगा। एक आदमी को बिना पैराशूट के प्लेन से नीचे फेंक दिया, फिर भी वो बच गया। कैसे? क्योंकि प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हुआ था। ब्रेकफास्ट में आप क्या नहीं खा सकते? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। ब्रेकफास्ट में आप कभी भी लंच और डिनर नहीं खा सकते। One second. ये बताओ, तुम सारे जवाब नीचे देख कर क्यों दे रहे हो नॉटी बॉय? आपकी कातिलाना आंखों की चमक देख कर किसी की भी नीयत डोल सकती है जहां पना। तो फिर लेन देन की बात कर ले। बस अपना लेन देन करते रहो, मैं धंधा बंद कर देता हूँ। जीएसटी काट कर जो देना है दे देना। तो संडे से ज्वाइन कर लूँ? नौकरी पक्की समझो। माइक्रोफोन की वजह से इंटरव्यू में पास हो गया। हाय सृष्टि। हाय सृष्टि, हाउ आर यू? आई एम गुड, होप यू आर फाइन टू। या आई एम फाइन। अरे यार, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिलके जाऊं। बाय द वे, काम कैसा चल रहा है? नया जॉब लगा है ना, अभी तो सेटल ही हो रही हूँ मैं। अच्छा, श्वेता ने कॉल किया था, नेक्स्ट वीक गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो तू भी आ जाना। ठीक है? या श्योर, आई विल बी देयर। हाय दी, मॉर्निंग। ओह, आज इंग्लिश पेपर नहीं है। हु इज ही? हरी, मेरा भाई। ओह, ओके। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। ओह सॉरी, आई डिडंट नोटिस यू। हरी। Srishti. Beautiful name. I like it. Didi, so this weekend, what's the plan? You want to go for a movie or something? Bhai, ye... Ye free hogi na? Shaam ko movie chalenge? Oh, excuse me. Oh, please carry on. Sorry, it's my husband. Hi, honey. Haan, main Priya ke ghar par hoon, aa rahi hoon. Thodi der wait kar lo na. Bas aadhe ghante mein pahunch rahi hoon. Haan, baby. Okay. Love you too. Bye. Okay.
भाई हम सुल्तान देखने चलें क्या? काहे की मूवी दीदी, मॉम पूरे हफ्ते घर का काम करती है, वीकेंड पर हम उनका हाथ नहीं बटा सकते। बेशरम को मूवी देखनी है। क्या हो गया? ये ठीक नहीं है आंटी। आंटी? लड़कियां चेहरा ढककर चलती हैं ताकि पता ना चले कि वो सुंदर है या नहीं। कुछ मंगलसूत्र ढक लेती हैं ताकि पता ना चले उनकी शादी हुई है या नहीं। हमें पता तो होना चाहिए कि किस पर ट्राई करना है और किस पर नहीं। भैया डंबल सिर पर मारो अपने। लाओ मॉम। कौन है वो? दीदी की फ्रेंड है। कैसी लगी? जैसी भी है शादीशुदा। अरे खूबसूरत लड़कियों की शादी जल्दी क्यों होती है? होती है तो भी वो यहाँ क्यों आती है? सही कहा। कॉफी मांगे तो बिल्कुल मत देना। नहीं दूंगी। हेलो, डू यू हैव अ मार्गरिटा कॉकटेल? सेनोरिटा पी रही है मार्गरिटा? एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ लाइटर टू मेक फायर? फायर? या मी। वन मिनट। हाउ आर यू? आई एम अभिमन्यु। He was a great warrior. Hi. It's really nice to meet you. It's a crime to see a young girl like you waiting for a drink at my bar. Pradeep. Your bar? Of course. You see that? He's my uncle. He's a legend. Okay. Cheers. Hey, Kuchan. Where are you from? Barcelona, Spain. Oh, Spain. I speak a little bit Spanish. और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। अरे फिर तो और भी आसान हो गया। क्या है भाई, तेरे को मैं ही मिला था क्या? बीज मैं बो रहा हूँ, फसल तू काटेगा। ले ऐश कर। I'll be right there. अकेली है। Hi. Tino festival? Why? I love that. I've read so much about it. कुछ भी हो, आज नो लिमिट, पूरी भड़ास निकालनी है। एक साल तक मिलिट्री कैंटीन का बोरिंग खाना झेलना पड़ेगा। अरे इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है? यहाँ कैंटीन में राशन के भाव में रम मिलती है। भाई क्या कह रहा है? जन्नत ही जन्नत है, चारों तरफ फिरंगी। छी, क्या लड़कियों को घूर रहा है? ये विदेशी हमारे मेहमान है, उनकी रिस्पेक्ट किया कर। मुझे रिस्पेक्ट सिखा रहा है वो लफंगा नाक कटवाएगा हमारी। वो फिरंगी को लाइन मार रहा है। वो सिग्नल भी मिल चुका है। देखो तुम और मैं सीधे बार्सिलोना जाएंगे, वहाँ चर्च में मैं तुम्हें मंगलसूत्र एंगेजमेंट रिंग पहना दूंगा। चर्च के बजाय मंदिर में जाएंगे। हाँ। शादी के फेरे लेंगे और फिर इंडिया में हम दोनों कहीं सेटल हो जाएंगे। इंडिया में छोटे से गांव में। सुपर्ब आइडिया, बकवास आइडिया है। इसका पत्ता तो कट गया। मुझे बिल सेटल करने को कहा था क्या? ए, मेरा बिल भी इसी से लेना। वेलकम टू इंडिया। ए ब्रदर, मैं ज्ञान किसी और को बांट। अरे सुन तो ब्रदर, दो मिनट ही लूंगा यार। मेरे दरवाजे पे आया हुआ पार्सल मुझसे छीन लिया। वो शादी के लिए राजी भी हो गई थी, ऐसी रसमलाई को छोड़ के जाना सही नहीं है। मिस्टर ज्ञान कुमार, उसके रंग या खूबसूरती की वजह से उसे लाइन नहीं मारी, फॉरेनर है इसलिए चांस लिया। ओह, फॉरेन में सेटल होने की इच्छा है? सिर्फ इच्छा नहीं है, मिशन है। क्यों, अपने देश से प्यार नहीं है? नहीं, यहाँ से बहुत खुन्नस है। यहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन मेड इन इंडिया है, बाकी सब मेड इन फॉरेन है। करेक्ट बोला। जिसे देखो वो बस फॉरेनर्स की नकल करते रहता है, तो मैंने सोचा वहीं जाकर सेटल हो जाता हूँ। वाह, नाम तो तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए था। अरे मेरी ड्रिंक वांदा नहीं है। तेरी शहनाई बच गई है क्या? नहीं मेरे भाई। तो तेरे लिए परफेक्ट है, जा लपक ले। थैंक यू मेरे भाई। क्या बात है, आज काला जामुन और रसमलाई की जोड़ी बन के रहेगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक बार फिर से, आई एम ज्ञान। ये अंगूर तो वाकई में खट्टे हैं। ए मैन, वो फ्रॉड दूसरी फिरंग को अपना शिकार बना रहा है। अबे हो सकता है वो पहले से दोस्त हो यार। ही इज अ हंटर मैन। अबे पीने पे ध्यान दो, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम अभिमन्यु, उसको अभी बता। चल चल चल, बैठ जा। कहां ना? अर्जेंटीना, वेरएवर यू आर फ्रॉम। आई, मेरी बात सुन, अगर एक लड़की को और छेड़ेगा ना तो उसे मैं खुद सीधा करूं। कंफर्म ब्रो? एकदम कंफर्म। हेलो, माय नेम इज अभिमन्यु, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, दिस इज माय बार एक्चुअली। हाय, व्हाट इज योर नेम? हाय, वेरी सॉफ्ट हैंड्स, तुम्हारे देश चलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हम लोग आर्मी में है ब्रो। तो यहाँ परेड करने आए हो? उल्टा जवाब देता है। यू प्लीज डोंट गो। ए चल खड़ा हो जा। अबे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? चल तू ठीक है? सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मार क्यों रहे हो? तो चेहरा बिगाड़ दूंगा। खबरदार, आइंदा कभी फॉरेनर्स की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो।
अतिथि देवो भव। लगता है ज्यादा पी गया। अभिमन्यु भांजे, अभिमन्यु क्या हालत बना रखी है? किसी ने जूस निकाल दिया है तेरा। चिल्ला मत, दुबई में बैठे बार के मालिक को तेरी हरकत का पता चल गया ना, उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची की धुनी देगा। दिन रात विदेशी कबूतरियों के सपने देखता रहता है। मामा, बिना वीजा के मैं फॉरेन नहीं जा सकता, इसलिए एक ही रास्ता है, किसी फिरंगी से शादी करके फॉरेन में सेटल हो जाऊं। इंडियन लड़की पटाना लोहे के चने चबाने से भी मुश्किल है, लेकिन उनसे शादी करना इजी है। विदेशी लड़कियां एक मिनट में दोस्ती कर लेती हैं, लेकिन शादी के चक्कर में नहीं पड़ती। पापा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी जिस दिन मैं एमी जैक्सन से शादी करूंगा। उसके लिए तुझे माइकल जैक्सन बनना पड़ेगा। तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, तभी तेरी नाक तोड़ दी। देख तेरे पापा को फोन होगा। अब इसे क्या हो गया? हाँ बोलो। बेटा, तेरी बहन सेल्वी का कार एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन के लिए 5,000 चाहिए। एक्सीडेंट हो गया? सेल्वी से बात कराओ। अरे बेटा, वो इस वक्त इंजेक्शन ले रही है। इंजेक्शन ले रही है? डॉक्टर से बात करवाओ। अरे भाई, डॉक्टर ही तो इंजेक्शन दे रहा है। नर्स, कंपाउंडर, वॉचमैन, कोई तो होगा ना, उन्हें फोन दो। क्यों बेटा, अपने सगे बाप पर भरोसा नहीं है? दुनिया में तुम आखिरी इंसान बचोगे, तब भी नहीं करूंगा। अब फोन रखो। आपके झांसे में नहीं आया? पता चल गया, तेरा भाई तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, उससे एक दमड़ी निकालना भी मुश्किल है। अपने बाप को थोड़ी तो इज्जत दे। पूरी दुनिया से झूठ बोल के तो उधार लेते रहते हैं, मैं क्यों इज्जत दूंगा? इस महीने घर खर्च भेज चुका हूँ मैं। भांजे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी खुद भी वहाँ जा, आखिर वो तेरा घर है। भांजे, घर? आपकी बहन यानी मेरी माँ, जब वो गई तो घर भी छूट गया, बस अब एड्रेस रह गया है। वो बाप मुझे बेटा समझेगा तब तो मुझसे प्यार करेगा ना। माँ चली गई तो मुझे उठा के मिलिट्री स्कूल भेज दिया, मुझसे मिलने तक नहीं आया। देख भांजे, सब कुछ भूल जा, माफ कर दे उसे। अरे मामा, मुझे माफ करो यार, एक पैग और बनाओ। नहीं दूंगा। अरे मामा प्लीज यार, इसके बिना नींद नहीं आएगी। जब वो तुझे मार रहे थे तो तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मौका ही नहीं दिया, जिसका जैसे मन किया मार दिया। इसीलिए लिमिट में पीना चाहिए। बस एक बार कल सुबह मेरा हैंगओवर उतर जाए तो फिर तो क्या बिगाड़ लेगा उनका, नशे में उनका थोबड़ा भी नहीं देख पाया होगा। इतनी रात को गॉगल्स, रजनी का फैन है क्या? लुंगी डांस, लुंगी डांस। वेट एंड सी। देखते हैं, देखते हैं। जेंटलमैन, We welcome you all to the Military Training Academy, और मुझे यकीन है कि एक साल के बाद आप सभी की ट्रेनिंग पूरी होने पर you all will be the best officers of the Indian Army. During this training, you'll be under the charge of a best officer, Major Abhimanyu. अगले एक साल तक आप मेजर अभिमन्यु को रिपोर्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जेंटलमैन, जय हिंद। अटेंशन सर, लेफ्ट टर्न। वहां सेकंड फाइल में जो थर्ड कैडेट है, जरा बाहर आएंगे। अबाउट टर्न। थर्ड फाइल, फर्स्ट कैडेट, स्टेप आउट। लेफ्ट टर्न। गॉड प्लीज सेव मी सर। वो थर्ड फाइल में फोर्थ बंदा आपने मिस कर दिया। अरे छुपे रुस्तम, बाहर निकलो। काश तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती। मत मारो, मत मारो कह रहा था। नाउ टेल मी, पैर पर अटैक किसने किया? मार, टांग पर मार, मार, तोड़ टांग। आजा, अपना पैर पकड़। अब ग्राउंड के 100 राउंड मार, चल निकल। शोल्डर पे किसने मारा था? विदेशी लड़कियों को छेड़ेगा? नीचे बैठ, जंप 100 राउंड्स, निकल। तुम लोग में एक स्टंट मास्टर था ना, जो एकदम रोल वोल करके फाइट कर रहा था। रोल करके मार। उसने मारा। आजा भाई, मंदिर में भक्त ऐसे रोल करते हैं, 100 परिक्रमा लगाई है। तथास्तु। सर मैं तो सिर्फ देख रहा था। अरे आप तो फाइट कोऑर्डिनेटर थे ना। होल्ड हिम, इधर से गट सीट मैन, अभी तेरा गर्मी निकलता है। ठीक ठाक किया ना। तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। इस कैंप में 200 आर्मी के लोग हैं। हर एक को तू सुबह सुबह गुड नाइट विश करेगा, दोपहर को गुड इवनिंग विश करेगा, और रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग कहेगा। सब टाइम गलत है सर। तेरा टाइम भी गलत है। चल बोल।
गुड नाइट मेजर। हा? सिर्फ आज नहीं पूरे साल करना है। What? निकल। गुड नाइट मेजर। बॉयज इट्स 4 एएम वेक अप। आर यू रेडी फॉर द ट्रेनिंग? गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। सो इन द फर्स्ट सेक्शन क्या लिखा है? क्या कर रहे हो तुम क्या क्या कर रहे हो तुम सर? मैं वो क्यों मुन्ना, कोई जॉब ढूंढा या ऐसे ही भटक रहे हो? ऐसे ही क्यों भटकूंगा सर, गर्लफ्रेंड के साथ भटकता हूँ, बहुत बिजी हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? शारदा बहुत अच्छा जोक है, सुनोगी तो पूरे रास्ते हंसोगी। मुन्ना आज से मेरी बहन चीनी हमारे साथ यहीं रहेगी। इसका मतलब अब उस महारानी के लिए मुझे 2 प्याज 4 टमाटर ज्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसी है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। मैं किसी और को क्यों देखूं? अब कैसे छेड़ूं इसे? अब प्याज काटने का सबसे आसान तरीका, ना आपको अपना हेलमेट पहनना होगा ना ही अपने गॉगल्स। प्याज काटने का ये सबसे आसान तरीका है, और तो और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तो अभी अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए अपना वेजिटेबल कटर। हमें कॉल कीजिए। बोलो क्या कर रहे हो? 9185 ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। हाँ बोलो। तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो। हाँ यही थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। अच्छा उस दिन की तरह आज रात फिर से घूमने चलें? हेलो 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 चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो वार्डन आई थी, मैं तो पकड़ी ही जाती। पकड़ी तो नहीं गई ना, हॉस्टल आ रहा हूँ तुम्हारे, दीवार कूद जाओ। वार्डन चेकिंग के लिए निकली है, मैं बाहर नहीं आ सकती। हेलो हेलो क्या हुआ? यहाँ मेरे सर पे भी एक वार्डन बैठी है। दीदी आ गई थी क्या? दीदी सॉरी मेरा मतलब तुम्हारी भाभी। ओ हाँ। हमारी वार्डन फिर से राउंड पर निकली है, कल बात करते हैं। वही ठीक है, यहाँ भी झांसी की रानी घूम रही है। बाय बाय। किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। वो नई चप्पल आपकी है, मैडम ने आपके लिए खरीदी है। नौकरों को तो त्योहारों पर कपड़े दिए जाते हैं, आजकल चप्पल देते हैं क्या? पर आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। मुन्ना 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 मेरी बहन को रोज कॉलेज ड्रॉप कर देना और शाम को ले भी आना। अब नौकर से ड्राइवर भी बना दिया। दिल लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे कॉलेज से मुझे एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अच्छा छोटी मालकिन उतरिए, उतर जाइए। पहले हुआ तो मैंने सोचा गलती से टच हो गया होगा, लेकिन बार बार मुझे छूने की कोशिश कर रही हैं आप। मुझे ये सब पसंद नहीं है, ऐसा करेंगी तो बाइक कैसे चलाऊंगा, हैंडल पर बैठ जाऊं क्या? देखो प्लीज रोना मत। सॉरी मुझ जैसे लड़के को देखकर फिसल गई होगी, लेकिन मेरी ये गर्लफ्रेंड है यार, मैंने फेसबुक पर स्टेटस भी चेंज किया, जाकर देख लो। मुझसे दूर रहो,
प्लीज पल्लवी को धोखा नहीं दे सकता। आओ बैठो। दोनों के बीच में आधे फुट की जगह होनी चाहिए तभी कॉलेज पहुंचेंगे। मेरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ चली जाओ। बीच में अपना बैग रख दो। ये तो पल्लवी का ही कॉलेज है। हेलो, कहाँ हो तुम? इस वक्त कहाँ हो सकती हूँ, कॉलेज में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज के बाहर। तुम कॉलेज क्यों आए हो? मैं नहीं बताऊंगा। ए, बताओ। तुम्हारे लिए आया हूँ। अच्छा, जरा कॉलेज कैंटीन में मिलो, तब क्लास लूंगी तुम्हारी। ओके। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? जो चिपकी हुई थी। अच्छा, देख लिया? बहुत खूबसूरत है। सच में खूबसूरत है? तुमने नहीं देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा, तुम्हारी कसम। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो। क्या लगती है वो तुम्हारी? भाभी की बहन है। भाभी की बहन? और रहती कहाँ है? मेरे ही घर पे। भाभी की बहन है, एक ही घर में रहती है, और तुम कहते हो कि देखा नहीं। क्या यार, तुम भी मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं नहीं मान सकती। तो फिर खुद आकर चेक कर लो। मैंने उस बारे में बात की है, वो जमीन खरीदने को तैयार है। अगर तुम और तुम्हारे चाचा हाँ कहते हैं तो मैं उन्हें हाँ कर दूंगा। आप तो सब जानते ही हैं, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। ठीक है बेटी, मैं वहाँ आकर पेपर साइन करवा लूंगा। ठीक है अंकल, रखती हूँ। हाँ, एक वेजिटेबल कटर, बिल्कुल टाइम पे डिलीवर करना, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। तुम हॉस्टल नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पीछे यहाँ तक चली आई? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? यहाँ आओ जल्दी। मेरी भाभी और उसकी बहन यही है। वही तो पता लगाने में यहाँ आई हूँ। मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती? अगर उसने देख लिया तो भाभी को बता देगी और मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर उसे बहुत दुख पहुँचेगा। अच्छा, तुम्हें तो उसकी फीलिंग्स की बड़ी चिंता हो रही है। तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? चलो बुलाओ उसे। ओ भाभी की बहन, बाहर आ। पागल हो क्या? वो बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी इजाजत के बिना हम कॉलेज में भी कर सकते हैं। प्लीज देखो, वेजिटेबल कटर ऑनलाइन लेना है, कैसे? क्या चल रहा है? अब वो दीदी मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। तुम? अब वो दीदी ये मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। दीदी? तुम बहन हो? तुम ही हो? चीनी? इतना बड़ा गेम? मतलब इतने दिनों से जानबूझकर बेवकूफ बना रही हो? मैंने तो कितने सारे हिंट दिए थे, तुम्हें ही समझ में नहीं आया। मेरी दीदी की शादी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम तो अपनी धोती भी नहीं संभाल पा रहे थे। बस वही भोलापन देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। कैसी धोती है ये? मैं तब से ही तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, और हर साल छुट्टियों में मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने आया करती थी, लेकिन तुमने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया। मतलब मैंने 4 साल वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी भी 4 महीने हैं। तो कवर कर ले। टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, टाइम बहुत कम है। अभी बैग बीच में रखना है? बिल्कुल नहीं। एक रात गुजारने की बात क्या कही, तुम तो सीधे चले आई। फुट मसाज देना। फुट मसाज के लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा। अली, बैठकर खाली। कैसा था मसाज? तू नहीं सुधरेगा। मार ले, खोपड़े पे ठंडा पानी मार ले। दांडेकर, चल ब्रश कर। गुड मॉर्निंग।
नमस्कार जज साहब, आदाब वकील लोग। इस आदमी को जानते हो? चमक वही जो पियामन भाई। क्या बोल रही? भूली गयो, ही मेरा कलीगा है। पैदा होने के बाद पहली बार देख रहा हूँ। हम एक ही वार्ड में पैदा हुए थे। ये झूठ बोल रहा है सर। ये लोग बचपन से एलकेजी साथ में ही जाते थे। भांग पिए क्या? चुप कर। तुम जरा शांत रहोगे? हाँ रवि तेजा, इसने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल की वार्ड से लेके हॉस्टल की खाट तक ये अभागा मुझसे चिपकता आया है। क्या मैं चिपका? हाँ, लिपटा लिपटी। नहाते वक्त ये पीछे से आकर मेरी पीठ मसलता था। अबे ये मेरे फ्रेंड्स का तौलिया भी खींच चुका है। मैंने खुद देखा है। यही तो प्रॉब्लम है ना, ये रात को ना तेजस्विनी को छोड़ के तेजा के पास भाग जाता है। और इतना ही नहीं, हमारी शादी को ना 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मी नानी नहीं बनी। मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरा पासपोर्ट साइज फोटो इसके बटुए में है। इस पे तो दाग लगा है। दाग लगने से हर बार अच्छा नहीं होता है, बुरा हुआ है। पोछे पोछे पोछे। ये तो तुम हो। इसी वजह से मेरे को 2 लाख चाहिए। तुम्हें तलाक भी मिलेगा और 2 लाख भी। तूने इसका तलाक क्यों करवाया रे? शादी के पहले बोला दहेज नहीं चाहिए, शादी के बाद बोला कार चाहिए। हाँ? बोलो बहना। मेरी जिंदगी बचा ली, थैंक्स। हिंदुस्तानी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। ये लो तुम्हारी फीस। गड्डी हल्की है, और नोट डाल। अरे नेक्स्ट टाइम बढ़ाता हूँ ना। बढ़ाता हूँ बोल के 4 बच्चे हो गए, कब बढ़ाएगा पता नहीं। अले बेन, गुजरात जा स्टैचू देख के आ। ये किस लिए? मेरे को भाई बोली 9,000 मेरी तरफ से, 1,000 इन लोगों की तरफ से। रक्षाबंधन के दिन उंधियू बनाकर रखना, मैं थेपले लेकर आऊंगा। ओके बाय बाय। आओ जो, ये तो चल। तो क्या है ये? ये बचपन से अनाथ है, इसलिए पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। लोगों की मदद करके वो उनसे रिश्ते जोड़ लेता है। सच्चाई को जिताने के लिए झूठी गवाही देता है। लोगों को न्याय दिलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ए, खास के उसमें। लगता है विरार लोकल में नहीं बैठा। नरेंद्र भाई 4 कटिंग मारो। हाँ तेजा भाई, लेकर आता हूँ। कम शक्कर वाले। आज स्कूल बंक किया क्या? आज गुरु पूर्णिमा है। ओ। पैसे काय को? मैंने तुमसे उधार लिए थे। जैसे नाखून बढ़ते ना वैसे आजकल स्कूल की फीस बढ़ती है। सुषमा ताई, पैसा बच्ची के फीस के लिए, इन्हें पीने मत देना। पीना छोड़ दिया है। जेब में रखो। ले लो रे बाबा, फीस भर देना। जा खारी टोसला। अइला, डर गया मैं। टकले, सिगरेट पिएगा? तेरा खून पीऊंगा। खून? सिगरेट पी, सिगरेट पी, सिगरेट पी, सिगरेट नहीं ली तेरी चुम्मी तेरे मुंह से निकला। अम्मी 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 अम्मी। लड़कियां शादी इसलिए नहीं करती कि तुम जैसे लालची दहेज के लिए उनका शोषण करो। जरा सा क्रोस हुआ और डिवोर्स हुआ। उपमा में मेरे माँ के हाथ का टेस्ट नहीं और चाय मेरी बहन की तरह बनाती नहीं है, इसलिए डिवोर्स देगा। लगता है तूने मेरा मर्डर फिक्स कर दिया है। चलता हूँ। होड़ डालो, होड़ आने वाला है। हेलो, वंदे मातरम सर, आईपीएस ऑफिसर सर। चल शुरू हो जा। बैच नंबर 420, बैच नंबर 9211, एपीएस, बीपीएस, सीपीएस, जीपीएस सर, बैच 67, हावर्ड यूनिवर्सिटी 2000 स्ट्रॉन्ग विद सोना सर। ऑफिसर अंडर पॉलिथिन कवर सर। लगता है पुलिस का गॉडफादर है। तो कल्टी सीटा मॉल मारना। ये सोलर पैनल चार्जिंग खत्म हो गई। चले, तेरा सोलर पैनल ही रिपेयर कर देता हूँ। चल। ए रवि, अगर तू आईपीएस है तो मैं होम मिनिस्टर हूँ। भाग है सब के सब। अरे क्या टाइम खोटी कर रहा है। आता हूँ नंबर प्लेट पर। चल चल। अरे घचा घच घच, मेरा मतलब घटो घच। इससे अच्छा चिकन तो चारकोप नाके पे मिलता है। यहाँ ओबामा नाश्ता करता था और ट्रम्प डिनर्स, लेकिन लंच तो टपरी पे करते थे। इसको मालूम नहीं है ये बात। मैंने सट्टा लगाया हुआ है, देख अभी चौका लगेगा। That one's caressed away as well. That one's over. अरे तेरे को कैसे मालूम चौका मारेगा? ये देख, इस पे पहले बताता है और टीवी पे बाद में आता है, किसी को बोलना नहीं। लाल लाल दिखा। ये ऑनलाइन सट्टा खेल रहा हूँ मैं। यार ये जुगाड़िया का सट्टा शुरू करो। चलो पहले सेट डाउन, फिर सट्टा लगेगा। अरे क्या महिला क्या शॉट मारा है, लगता है सुबह सुबह कांदा भजिया मार के आए। अरे है कुछ सट्टा खेले। हम लोग है ना, खेलते हैं सट्टा। नेक्स्ट बॉल का भविष्य बता। जनाना जी टांग छक्का है। मेरा दिल बोलता है आउट होएगा। भेंडी, तेरा बाप भी कभी सट्टा खेला क्या? ये ले मेरा 1,000 डॉलर। चल अभी तू डाल। चल वो नहीं हो गई, ले जेब में डाल। इतना दुलूत निकलेगा।
अगली बॉल पे क्या होगा? एक ही बॉल में भाग के तीन रन निकालेगा। भाग के तीन रन निकालेगा? अरे गर्मी का टाइम है, दो रन ही भागेगा। ये मेरा $1,000। ये पहला रन लिया, ये दूसरा भी ले लिया, ये थम थम, ये तीसरा बंदे तेरे को चक्कर आ गया। आई मेरे को चक्कर आ गया रे। या तो फुल प्लेट या तो अटैक। जबरात क्या बोला रे? अपना पूरा माल सट्टे में लगा दो, हारा हुआ पैसा वापस। अरे कोई ऑफर दे मेरे को। गुड़ी पाड़वा ऑफर है, रन आउट नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस। अरे ये तो मेरे लिए जैकपॉट है। अरे ये ले मेरा दीप लक्ष्मी बैंक का क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पूरा बैंक बैलेंस, जीरो बैलेंस कर। सोने की जंजीर, हाथ की चूड़ी, उंगली की अंगूठी, रोलेक्स वॉच भी चाहिए। मलदाएगा ये। ए, 50 तोले का साख लिए, अभी मैं जॉकी उतरेगा नहीं, बाद में देगा। मेरा जिंदगी तुम लोग के हाथ में, आराम से। रुक जा रुक जा, बॉल उसके हाथ में। तू गेम से आउट? नॉट आउट है रे हावले। इसमें क्रिकेट का सरताज अखबर उस्ताद। ये हैदराबादी कौन है? दम बिरयानी होगा। आओ लुटने वाली कुर्सी पे सिट डाउन। बैठो बैठो। ए झिंगुर निकल, कमा के आ, फिर आना लुटाने। तशरीफ का टोकरा रखिए, दोनों मैच देखिए, मजा आएगा। अरे क्या कर रहा है, नवा बकरा है, खुल नहीं रहा यार। ये वही बात हुई, पिशावा लगी और नाड़ा नहीं खुल रहा। नाड़ा खुले ना खुले, आप शुरू हो जाओ ना। आप मारेगा छक्का, दुश्मन का जाम होएगा चक्का। मैं शॉट लगाऊंगा, इसको मारूंगा, इसको मारूंगा, एक मिनट रुको, मैं मारूंगा। 1000 की लग गई। ये क्या करते हो बाबा, सोच समझ के खेल। वो धोनी अभी खेलने को उतरा है, पहले बॉल पे छक्का नहीं मारेगा वो, अगली टांगा उठा के देगा उन्हों। आओ नवाब साहब आप लगाओ। चार मीनार की खसम चौवा लगेगा। नवाब गए, अब देख सारा पैसा रिकवर करता हूँ। गुड लक। अरे बाबा, रे बाबा, अरे तेरा सुन लिया रे ऊपर वाले ने, अरे तेरे नाम का व्रत रखेगा। ये ले पूछने का पेपर। हाँ ठीक है, मेरे पास एक बम्पर ऑफर होना। कैसा ऑफर? माला माला ऑफर, धमाल फुल, अगली गेंदा पर छक्का ही छोना, नहीं तो आधा हैदराबाद तुम्हारा। और हार गया तो मैं निजाम का सोने का हुक्का तुम लोगों को दूंगा, पाइप, चिमनी और तेरे को निच्चू का प्याला। चल अगर मुझे कोयला देंगे ना तो भी मेरे को तलेगा। ए चुप है, एक नंबर का पनौती है, तेरी वजह से हम लोग हारे। धोनी का ऑफसाइड सिक्सर इम्पॉसिबल है। मेरे पापा हमेशा कहते थे जुए के पैसे में बरकत है। उन्होंने जुए के पैसे से 4 कैसीनो खरीदे और मेरे नाम कर दिए। हम लोग ही विन है, लगाओ रे। ए नवाब, तू औकात से ज्यादा खेल रहा है, अगर हार गया ना तो मेरे को अटैक ही जा जाएगा। इतना फिगर काय को हावले, अल्लाह हमारे साथ है ना। तेरे बाप ने कभी क्रिकेट खेला था? तेरी वजह से सट्टा हार रहे हैं। मेरा बाप बोलता था तेरी माँ ने तेरे को वानखेड़े स्टेडियम में पैदा किया था क्या? जब तेरा बाप मैच देखता था तब धोनी इंडियन टीम में खेलता था क्या? मौत बंद कर, तू बंद कर, मैं अपनी चट्टी तक हार गया। चट्टी भी? अरे बंद कर एक्टिंग, वरना तेरी चट्टी फाड़ता हूँ। दोनों हाथों से मुट्ठा भर कर निखलने भी। अरे मेरा मुट्ठी बहुत बड़ा है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो लोग अगर हारते तो तुमको हटाया जाता। अरे गॉगल में मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, ऐसा औरत बोलती है। ये भी ले लेता हूँ, ये सब जाके दीप लक्ष्मी बैंक में रख देता हूँ। इतना सब हार गया, फोन भी दे देता। खोल के दिखाया तो फोन तेरा। चोरी के घर में चोरी। मेरा ननियाल चोर बाजार में रे, और ननियाल रेस कोर्स के बाजू, और मेरे अम्मी का निकाह बहुत बड़े सट्टेबाज से हुआ था ना यारो। तुम लोग सांप सीढ़ी खेले, मैं नागिन सीढ़ी खेला। ये तो जेब भी मार गया और डायलॉग भी। जैसे तुम लोग चीटिंग कर लेते ना, वैसे ही उसने भी चीटिंग किया। उसकी आंखों में स्कैंडल मचीन थी, पूरा स्कोर बोर्ड याद कर लिया। ऐसा करते तूने देखा था उसको? अत्ते देखा था तो पहले टेल क्यों नहीं किया? बोलता तो वो तुन लेता ना, तो मैसेज कर देता, मोबाइल उसके पाता तो किसको करता। ओके यार सॉरी, माफ कर दे। ए, तू अभी को कैसे जानती है? हम साथ काम करते हैं। तुम उसे कैसे जानती हो? मैंने उसे अपने प्यार में पागल हा? और दीवाना बना दिया है। क्या प्यार में? हाँ, टिश्यू पेपर नाम की
प्रजाति को जानती हो तुम? पोंछा और फेंका, तुम उसके लिए बस वही हो, यूज एंड थ्रो। तू उसके लिए ना अंडे का छिलका है। क्या? ए, आंखें नीचे करके बात कर, वरना आंखों में कांटा चम्मच घुसा दूंगी। हिम्मत है? हम्म, ऐसा करेगी? तूने मेरे गाल पे मारा, मेरे गाल पे? तूने मुझे मारा, तेरी इतनी जुर्रत? वो देख, चिंगुर चिंगुर उड़ के इधर आ जाएगा। इसकी भैंस की टांग। ओके गॉड, पीस 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 पीस। ओके, मुझसे फाइट करेगी? माइक टायसन की फैन हूं मैं। चल, तेरे बाल उखाड़ के ना विग वाले को बेच दूंगी, समझी? टेंशन लगा के घूम रही है। इसने अभी अभी कलर किया है, अरे मेकअप उतर जाएगा तो असलियत सामने आएगी। मैच ड्रॉ हो गए। मैच तो अभी शुरू हुआ है। गाजर मूली खा के बहुत जोश बढ़ी है। मेरे अंदर पुराने पीपल के पेड़ की चुड़ैल है, खून नहीं जाऊंगी। अरे तुम लोग खून मेरा पी रहे हो। तुम इधर आओ, मैं सेंटर में। बाकी गयो बापू।